जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा पर आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेगी। अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अनुमानित जानकारी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है तो अपना जन्मदिन कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। अगर आप लव मैरिज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें, के अलावा अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं और यह जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। अगर आप मौखिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीफोन के जरिए सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आप रिटर्न में चाहते हैं यानी लिखित में चाहते हैं तो आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक लिख कर दी जाएगी जिसे आप आसानी से पढ़ पाएंगे और इसे समझ पाएंगे। तो यह सभी जानकारी आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से दिसंबर के महीने में जिन राशि के जातकों के लिए 25 दिनों में विवाह के योग बनाएगा उसकी जानकारी दूंगा और वो भाग्यशाली 4 राशियों के बारे में बताऊंगा और जिन 2 राशि के जातकों को लाभ होगा उसकी भी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको दिसंबर महीने में जो है विवाह मुहूर्त कब कब है उसकी जानकारी दूंगा, विवाह मुहूर्त की तिथियां समय सब कुछ बताऊंगा। तो आप केपी की वाणी के साथ बने रहें। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, हमारा संपर्क नंबर आपको दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप उनको मानते हैं, अपनाते हैं, उपयोग करते हैं तो व्यक्ति विशेष की जानकारी आप कुंडली दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। पंडित तथा ज्योतिष से भी संपर्क कर इसकी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं, अथवा आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। तो शुक्र का जो गोचर है वो कुछ इस प्रकार से होने जा रहा है। शुक्र 30 नवंबर को जो है देर रात 1:04 पर जो है तुला राशि प्रवेश करेंगे और तुला राशि में कुल मिलाकर जो है 25 दिनों तक रहेंगे और इन 25 दिनों में जो है 4 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। लेकिन जो शुभ योग बनेगा, योग जो है अचानक से विवाह के बनाएगा, वो है स्वाति नक्षत्र का और विशाखा नक्षत्र का। तो शुक्र जो है 5 दिसंबर को संध्या काल 4:27 पर जो है वो स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसके पश्चात जो है कुल 11 दिनों तक रहेंगे और तत्पश्चात जो है विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 16 दिसंबर को। हालांकि दिसंबर के महीने में जो है 15 दिसंबर तक ही विवाह मुहूर्त है, तो स्वाति नक्षत्र में जो है शुक्र के गोचर होने से जो है 4 राशि के जातकों के लिए अचानक से विवाह के योग बनाएगा। तो पहले मैं आपको शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूँ कि शुक्र ग्रह का क्या काम है और इसे कैसे कुंडली में देखा जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। शुक्र जो है लड़कों की शादी के कारक माने जाते हैं, यानी अगर लड़कों की शादी के विवाह के जो कारक हैं वो शुक्र हैं, दैत्यों के गुरु हैं ये, इन्हें संजीवनी विद्या प्राप्ति और इस विद्या के माध्यम से ये असुरों को जीवित कर देते थे। वर्तमान समय में महामृत्युंजय मंत्र जाप को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इस मंत्र के जाप के माध्यम से ही जो है शुक्राचार्य ने जो है असुरों को जीवित किया था। तो संजीवनी विद्या के जो है मालिक कह सकते हैं वो शुक्राचार्य हैं और ये नव मंडल में विराजमान है और वर्तमान समय में इन्हें शुक्र देव की उपाधि है और शुक्रवार का दिन इन्हें समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन जो है शुक्र ग्रह की पूजा उपासना की जाती है। तो शुक्र ग्रह जो है वो विवाह के कारक होते हैं, भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, सोहरत, कला प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम और फैशन डिजाइनिंग आदि के जो है कारक माने जाते हैं शुक्र ग्रह। तो शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है और मीन राशि में उच्च के होते हैं जबकि कन्या राशि में ये नीच के होते हैं। 27 नक्षत्रों में बात करें तो भरणी, पूर्वा फागनी, पूर्वा साढ़ा नक्षत्रों का ये स्वामी है। ग्रहों में बुध और शनि ग्रह के मित्र ग्रह है तथा सूर्य और चंद्रमा इनके
शत्रु ग्रह माने जाते हैं। शुक्र का गोचर 23 दिनों का रहता है, कई बार ये 25 दिनों का भी रहता है। तो वर्तमान समय में 25 दिनों का शुक्र का गोचर होगा तुला राशि में, तो तुला राशि में 25 दिनों तक जो है शुक्र रहेंगे और इस दौरान तुला राशि के जातकों के साथ अन्य राशि के जातकों के लिए भी विवाह के योग बनाएगा। शुक्र ग्रह जिन जातकों की कुंडली के प्रथम भाव में रहता है, लग्न भाव में विराजमान रहता है, वह जातक रूप रंग से बेहद सुंदर व आकर्षक होता है। जातक का व्यक्तित्व बेहद आकर्षित होता है। ये विपरीत लिंग के जातक स्वभाव से मृदुभाषी होता है। लग्न में शुक्र का होना जातक का कला क्षेत्र में रुचि पैदा करता है। जातक का प्रेम व वैवाहिक जीवन बेहद सुखमय रहता है। अगर शुक्र मजबूत है, शुक्र पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो जातक के विवाह के प्रबल योग रहते हैं और उनका वैवाहिक जीवन बेहद सुखमय रहता है। शुक्र पति पत्नी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाता है। तो शुक्र को मजबूत कर सकते हैं शिव जी की पूजा करके। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना आराधना करते हैं तो शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। और एक बार शुक्र मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। यंत्र जो है शुक्र यंत्र है। इनके मंत्र जो है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो अगर आप अविवाहित लड़के हैं और शीघ्र विवाह की कामना करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जड़ी जो है अरंड मूल है, रत्न हीरा है और रंग गुलाबी है। शुक्रवार के दिन अगर गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं तो भी शुक्र मजबूत होता है। शुक्रवार को सफेद चीजों के दान करने से भी जो शुक्र मजबूत होता है। तो कुंडली में शुक्र को मजबूत बनाने के लिए आप चाहे तो हीरा धारण कर सकते हैं। अगर आप की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो आप हीरा धारण कर सकते हैं। एक रत्न का हीरा जो है वो आप मध्यम कुंडली में धारण कर सकती हैं। इसके साथ ही आपको शुक्र यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। दान करने से भी लाभ पहुंचता है। परशुराम की आराधना करने से भी शुक्र की कृपा, परशुराम भगवान की भी आराधना करने से जो है शुक्र देव की कृपा बरसती है। तो शुक्र एक बार मजबूत हो जाए कुंडली में तो फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, खासकर विवाह प्यार और प्रेम संबंध को लेकर। यह चंद्रमा के बाद रात में चमकने वाला दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र आकार व द्रव्यमान पृथ्वी के समान ही है, इसे इसके लिए पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र तारा को। आइए मैं आपको विवाह मुहूर्त बता देता हूँ। तो 5 दिसंबर को जो विवाह मुहूर्त का समय है वो कुछ इस प्रकार है। विवाह मुहूर्त 3:38 प्रातः काल से 6:29 तक है, दिसंबर 6 तक, यानी कि कुल मिलाकर के 27 घंटों तक जो है विवाह मुहूर्त है। और लगातार 5 से लेकर 9 तारीख तक विवाह मुहूर्त है दिसंबर के महीने में। 6 दिसंबर को भी विवाह मुहूर्त है, बुधवार का दिन है, उत्तर फागुनी नक्षत्र है, तिथि 9वीं एवं 10वीं है, शुभ दिन है। मुहूर्त 6:29 प्रातः काल से अगले दिन 6:29 तक है। फिर अगले दिन 7 दिसंबर को भी विवाह मुहूर्त है। इस दिन नक्षत्र हस्त है, तिथि एकादशी, एकादशी का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन विवाह करना श्रेष्ठ होता है। तो तिथि 10वीं भी है और एकादशी भी है। नक्षत्र हस्त है, विवाह मुहूर्त 6:29 से संध्या काल 4:09 तक है और फिर 5:06 से प्रातःकाल 6:30 तक है, 8 तारीख। इसके अलावा 8 दिसंबर को भी विवाह मुहूर्त है, शुक्रवार का दिन है, 6:30 से 8:54 अगले दिन तक है। नक्षत्र हस्त है, तिथि एकादशी है। फिर 9 दिसंबर को भी है, 9 दिसंबर के दिन नक्षत्र स्वाति है, तिथि 10वीं है। बात करें समय की तो 10:43 से 11:37 रात का है। 11 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है, 6:24 से लेकर 6:32 तक है। नक्षत्र अनुराधा है, तिथि अमावस्या चतुर्दशी। वहीं दिसंबर 15 को भी विवाह मुहूर्त है। इस दिन विवाह मुहूर्त 8:10 से लेकर 6:24 अगले दिन यानी दिसंबर 16 तक है। और इसके पश्चात जो खरमास प्रारंभ हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो एक महीने तक कोई भी शुभ कार्य किया जाएगा और उसके पश्चात 16 जनवरी से जो विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। तो नक्षत्र उत्तर साढ़ा है, तिथि तृतीया एवं चतुर्थी है। तो कुछ इस प्रकार विवाह मुहूर्त रहा। आइए मैं आपको शुक्र के जो है उपाय कुछ बता देता हूँ। तो अगर आप लड़के हैं और विवाहित हैं तो जल में जो है इलायची मिलाकर जो है स्नान करें तो इससे आपको फायदा होगा। अगर जल में इलायची मिलाकर स्नान करते हैं तो शुक्र मजबूत होता है। शुक्र के मजबूत रहने से फिर विवाह के योग बनते हैं। तो आइए मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूँ, 4 राशि के जातकों के बारे में। प्रथम राशि आपको पता ही हो गया तुला राशि है। तुला राशि में ही शुक्र का गोचर होगा और इससे जो तुला राशि के जातकों को फायदा होगा। तो इस वीडियो में आपको केवल शुक्र के गोचर से ही जानकारी दे रूंगा। इस वीडियो में आपको शुक्र के तुला राशि में गोचर होने से शुक्र के चलते जो विवाह के योग बन रहे हैं, जिन राशियों के बन रहे, उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो तुला राशि के जातक का नाम अक्षर जी से, तुला राशि के जातकों का नाम आर से होता है। अगर आप आर नाम के जातक हैं तो तुला राशि के आपकी राशि तुला होगी और आपके जो विवाह के योग हैं वो दक्षिण पश्चिम में होंगे। और बात करें नाम की तो आपके जो विवाह के योग जो बन रहे हैं वो जी नाम के जातक से, एस नाम के जातक से, एम नाम के जातक से बन रहे हैं। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा जो है आपके लिए शुभ है। इन दिशाओं में अगर रिश्ते लेकर जाते हैं या रिश्ते आते हैं तो फिर विवाह रिश्ते तय हो सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको तुला राशि के लिए। इसके अलावा वृषभ राशि के जातक है, वृषभ राशि के जातकों का जो नाम अक्षर है बी यू वी से होता है और इनके जो
शादी है पीजीएस नाम के जातक से होने के प्रबल योग है, यानी कन्या राशि और कुंभ राशि के जातकों से, इनके लिए भी शुभ दिशा जो है दक्षिणी है, क्योंकि इनके राशि स्वामी शुक्र है, तो इसके लिए जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनाएगा। हालांकि वृषभ राशि की लड़कियों के विवाह के योग नहीं है, क्योंकि द्वादश भाव में जो है गुरु विराजमान है, लड़कों के भी कम योग है, लेकिन शुक्र का जब गोचर होगा तो फिर आपको कुछ न कुछ फायदा होगा, इस दौरान आपके रिश्ते तय भी हो सकते हैं। तीसरी राशि जो है मीन राशि है, मीन राशि में शुक्र ऊंचे होते हैं, मीन राशि के जातक हैं आप, तो आपका नाम अक्षर डी से शुरू हो सकता है, सी एस से शुरू हो सकता है। बात करें आपकी राशि स्वामी की, तो आपकी राशि स्वामी जो है गुरु है बृहस्पति, और आराध्य जो है भगवान श्री विष्णु जी। आपके लिए जो शुभ दिशा है वो उत्तर और पूर्व की दिशा, यानी ईशान कोण है, इस दिशा में रिश्ते लेकर जाते हैं, रिश्ते लेकर आते हैं, तो विवाह के योग बनते हैं। बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, बी नाम के जातक, कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातक से और कुंभ राशि के जातकों से विवाह के योग बन रहे हैं, अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो। एक अन्य राशि है वह राशि मेष राशि है, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। मेष राशि के जातकों को भी फायदा होगा, क्योंकि गुरु चंडाल दोष जो है उसका समापन हो जाएगा, और इसके पश्चात जो है मेष राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनेगा। तो मेष राशि के जातक का नाम अक्षर एएलई से होता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो अगर आप एएलई के जातक हैं, एएलई से नाम शुरू होता है, तो आपके प्रेम प्रसंग में अगर हैं तो प्रेम विवाह के भी योग है। बात करें नाम की, तो पीआरएम नाम के जातक के साथ पढ़ने सूत्र में बदलने के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको चार राशियों के बारे में जानकारी दी है, और आपको अचानक से कैसे योग से जो है सगाई के योग बनेंगे उसकी जानकारी दी है। 25 दिनों का जो शुक्र का गोचर है तुला राशि में हो रहा है, तो चार राशि के जातकों के लिए जो है दिसंबर का महीना बेहद शुभ रहने वाला है। इस तरह के अनुभव देखने के लिए साथ हमारे साथ बने रहे। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे, आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। ज्योतिष गणना, धार्मिक ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई कि हमारा उद्देश्य मैं आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसी सूचना हेतु अगर आप इसको मानते अपनाते तो उपयोग करते तो उसके आप स्वयं बीमार आप जाते केपी की माने संपर्क करें था अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित ज्योतिष सेवा संपर्क। इस तरह के अनुभव देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। कल तक के लिए इजाजत दे, आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी का सिंह कृपा पर प्रस्थित रहे, परम पिता परमेश्वर को सद्बुद्धि सद्मार्ग पर आगे बढ़ने की। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।